साला उमड़ा तब दोनों रास्ते जाम हो गए। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये मनु स्मृति से गाइड होने वाले लोग हैं। अब हालत उससे बेहतर है, लगता है कि हम इसको हटा देंगे। तो इन बच्चों को ईडी और सीबीआई का कोई डर नहीं है। जो इज्जत जामिया के लिए न सिर्फ मेरे जैसे आदमी की, पूरे मुल्क में, मैं बंबई से आ रहा हूँ, पुणे से आ रहा हूँ, मेवात में 1,00,000 लोगों की रैली थी, 1,00,000 लोग निकले। मैं बराबर 12 साल एमपी जो रहा तो मैं बारहा वहां जाया करता था, लेकिन इतनी बड़ी रैली और इतना डिसिप्लिन में कि रैली 8-9 किलोमीटर पैदल चल करके, पुलिस प्रदर्शनकारियों ने तो एक रास्ता छोड़ दिया था आने के जाने के लिए ट्रैफिक के, जैसे आप ये किए हैं। लेकिन जब सैलाब उमड़ा तब दोनों रास्ते जाम हो गए और 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक चल करके और इतना बड़ा वहां जलसा हुआ 18 तारीख, उसका नेतृत्व मैं कर रहा था वहां था। तो मैं बताता हूं कि पूरे देश के अंदर में अभी महाराष्ट्र के पुणे और बंबई और दिल्ली में जितनी इज्जत आपकी बढ़ी है, भले आपका सर फटा है, भले आपके हाथ टूटे हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ की बच्चियों के बच्चियों की ये लड़ाई जान लीजिए, जिस लड़ाई में हमारी बच्चियां हमारी खातून अगर मैदान में आ जाती है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है, कोई ताकत नहीं हरा सकती है। आपने जो काम किया है वो मायूसी खत्म हुई। ये पत्रकार क्या नाम था भाई इनका, भी भूल गए, साहिल भाई कह रहे थे कि बड़ी हालत खराब है। हमने कहा कि नहीं यार, अब हालत खराब नहीं है। जामिया की घटना के पहले मायूसी थी और लगता था कि इस मुल्क में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हालत उससे बेहतर है, लगता है कि हम इसको हटा देंगे। और आपकी देखा देखी आपने वो मसाल जलाई है कि सियासी पार्टियों में भी अब सुगबुगाहट आ गई है, अब वो लोग भी एक एक करके और सड़क पर उतर रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई दबने वाली नहीं है, लंबी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत मोटी चमड़ी होती है, थिक चमड़ा होता है इनका, ये थेथर लोग हैं, ये एडमेंट है, दूसरी कोई इनके अंदर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं है, कोई जमहूरी तौर तरीका इनके फिलासफी में नहीं है, इनके आइडियोलॉजी में नहीं है। ये बंच ऑफ थॉट से गाइड होने वाले लोग हैं, ये मनु स्मृति से गाइड होने वाले लोग हैं, और इसलिए ये जुल्म और जाति करेंगे, ये जल्दी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जनता जब किसी मुल्क की आवाम जब बागी हो जाती है तो इन बच्चों को ईडी और सीबीआई का कोई डर नहीं है, इनको कोई डर नहीं है। और यही नहीं, हम तो बराबर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम अपनी आलोचना भी अपने मुआसरे की भी आलोचना करते हैं। हमारे कुछ लोग जो सिर्फ दुआ करते थे, वो लोग भी दूसरे लोगों को बताते थे कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, वो लोग भी मोदी जी और अमित शाह के यहाँ दरबार करने लगे थे और उनसे ज्यादा डरने लगे थे, वो डरने लगे थे। अच्छी बात है, दिन भर का भूला अगर शाम को लौट करके चला आता है। अब वो लोग को भी ताकत इन बच्चों ने दिया है, उन लोगों को भी रास्ता दिखलाया है। जो लोग मोहन भागवत जी के यहाँ दरबार करते थे, उनके कसीदे करते थे, उनके बारे में कहते थे कि वो बदल गए हैं,
वो देश में अमन चैन चाहते हैं, इखलास मोहब्बत चाहते हैं। जो लोग अमित शाह जी के बारे में यहाँ नहीं कुछ बोल पाते थे तो जिनेवा में जाकर के कुछ बोलते थे, जो लोग कश्मीर के बारे में एक अल्फाज नहीं बोलते थे, जो लोग कहते थे कि एनआरसी तो होना ही चाहिए, जो लोग कहते थे कश्मीर की निंदा करते थे, उनके खिलाफ बात बोलते थे, अब वो लोग भी बोलने लगे हैं। इन बच्चों ने, जानिया की इन बच्चों और बेटे और बेटियों ने ये ताकत दी, बोलना पड़ेगा। हम तो उनकी नियत पर नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इस मुल्क की जो सियासी पार्टियां थी बड़ी बड़ी, वो इतनी कमजोर हो गई थी, वो डर रही थी। अगर वो उनमें ताकत होता तो शायद ये लोग भी इस हद तक नहीं गए होते। लेकिन जो हो, आपने और आपके आंदोलन ने ये सियासी पार्टियों को भी ताकत दी है, और आपके इस आंदोलन ने हमारे जो मजहबी लीडर हैं, जिनके पास बड़े वसायल हैं, जिनके बड़े फॉलोइंग है, वो सब कुछ ठीक है, मैं उनकी नियत की बात नहीं करता, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो डर गए थे, तो उस खौफ के आलम से वो बाहर निकले हैं। तो ये एक काम हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये है कि एक उम्मीद बढ़ी है कि हाँ, जनता भी कुछ है और दिखा सकती है, बहुत कुछ दिखा सकती है। एक चीज जान लीजिए, ये एक अंग्रेजी में एक जुमला है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, साइडिस्टिक प्लेजर, दूसरे को तकलीफ देने में अगले को मजा आता है। तो मोदी जी और अमित शाह जी की जो फितरत है, योगी जी की जो फितरत है, वो यही है, उनके फितरत में, उनके नेचर में है, पैर ना देश को, नोटबंदी करके पैरों, जीएसटी लगा करके व्यापारियों को पैरों, इस तरह से एनआरसी लगा करके पैरों। नतीजा क्या निकला आसाम में, आप सब उससे वाकिफ हैं। उसी तरह से अब हो गया तो सिटीजन रजिस्टर बना करके उस नाम पर पैरों। तो ये भाजपा जो है, ये पैरों पार्टी है, जनता को पेरिए तबाह कीजिए, उनको मजा आता है। इसी को अंग्रेजी में साइडिस्टिक प्लेजर करते हैं। एक बात और कह करके मैं खत्म करना चाहता हूं, जो सबसे खतरनाक है और उसकी तैयारी करनी चाहिए, इनके जीन में है, इनके ये जहां से सीख के आए हैं वहां से है, और वो है कि ये सेना का, हमारी पुलिस का ये राजनीतिकरण करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।